सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, क्या आप भी अपनी फेसबुक से मोबाइल नंबर को और जीमेल अकाउंट को रिमूव करना चाहते हो? तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल नंबर और जीमेल अकाउंट को अपने फेसबुक अकाउंट से कैसे रिमूव कर सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखते रहना, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, और आप सभी को बता देते हैं कि आप अपने मोबाइल नंबर और जीमेल अकाउंट को कैसे यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे फेसबुक ओपन कर लेना है, देन आपको यहाँ पे थ्री बार पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे अकाउंट सेंटर का एक बटन मिलता है, और नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सी मोर इन अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लिक करते ही गाइज आपके सामने यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो देखने को मिल जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है ऊपर जो आपको मिल जाता है। जैसे ही क्लिक करते हो गाइज आपका मोबाइल नंबर और जीमेल अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं आपको लाइव यहाँ पे मोबाइल नंबर को पहले रिमूव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा दो मोबाइल नंबर इस अकाउंट में ऐड है, तो मैं यहाँ पे इस अकाउंट से मोबाइल नंबर को पहले रिमूव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे चूज कर लेना अपना अकाउंट फेसबुक वाला, उसके बाद यहाँ पे डिलीट फ्रॉम फेसबुक का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और डिलीट नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे डिलीट का, तो आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा अपने अकाउंट का, जो आपके अकाउंट का पासवर्ड है, तो फटाफट से पासवर्ड को आपको फिलअप कर लेना है गाइज। अब जैसे ही आप यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप कर लेते हो, उसके बाद कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिल जाता है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, यू कांट मेक दिस चेंज एट द मोमेंट। तो आपको क्या करना है गाइज, सो गाइज ऐसा इसलिए है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पे फेसबुक जो एप्लीकेशन है, जो टीम है, खुद बता रही है कि आप यहाँ पे अलग अलग डिवाइस में अपनी आईडी को लॉगिन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी अकाउंट कोई और यूज करता हो तो आपको पता ना चलता हो। इसलिए यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि आपकी अकाउंट मुझे सुरक्षित रखना है, इसलिए मैं अभी आपको अनुमति नहीं दे सकता। आपको अभी कुछ टाइम तक अपनी इस डिवाइस में काम करना है, यानी कि वर्क करना है गाइज, आपको कुछ टाइम तक वेट करना है अपने इस फ़ोन में, जो भी फ़ोन से आपको यहाँ पे जो जीमेल है डिलीट कर रहे हो, उस फ़ोन में आपको कुछ टाइम तक अपने फेसबुक को अभी यूज करना है, यानी कि यूज करना है फेसबुक पर जो पोस्ट वीडियो वगैरह पोस्ट वगैरह करते हैं चलाते हैं, उस तरह से आपको यूज करना है कुछ टाइम तक। आप उसके बाद आप यहाँ पे कभी भी यहाँ पे अपनी अनुमति ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फेसबुक यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि आप अभी यहाँ पे अपना फेसबुक से जीमेल और मोबाइल नंबर रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है गाइज, ओके पर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ से हट जाना है, कुछ टाइम तक वेट करना है गाइज। आपको यहाँ पे अपनी फेसबुक को इसी डिवाइस में चलाना है, और आपको लॉग आउट कर देना है सभी जगह से, जहाँ से जैसे कि काफ़ी सारे लोग आपकी अकाउंट को हो सकता है यूज करते हों कुछ लोग, या फिर आप कहीं और लॉगिन कर रखे हों किसी और डिवाइस में, तो वहाँ से आपको लॉग आउट कर देना है, और एक जगह आप अपनी अकाउंट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद आप कभी भी अपने अकाउंट से यहाँ पे मोबाइल नंबर को जीमेल को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना है, कम से कम हो सकता है वीक्स लग जाए या फिर महीने लग जाए, आपको वेट करना है गाइज। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, कोई भी वीडियो देखते हो तो आपका यहाँ पे रिमूव नहीं होगा, ज़्यादा आप छेड़खानी करेंगे तो आपका अकाउंट लॉक भी हो सकते हैं, अकाउंट आपका यहाँ पे डिसेबल भी हो सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया हो जो मैं आपको बताया हूँ। अगर फिर भी आपको वीडियो से डाउट रह जाता हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।